हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम और आज हमारी क्लास नंबर 13। जी हाँ, मार्केटिंग प्रोग्राम की लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, जिसका नाम है प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम प्राइस सपोर्ट MSP और प्राइस फ्लोर। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर 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 1 2 3 4 5 फ्लोर, यही तो होता है। प्राइस को बढ़ाना यानी इक्विवेलेंट प्राइस से ज्यादा प्राइस का होना। नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं दोस्तों, एक बात बताओ, आज जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे घर पे खा रहे हो, चाहे मैकडॉनल्ड्स में खा रहे हो, चाहे हम पिज्जा हट में खा रहे हो, चाहे डोमिनोज में खा रहे हो, चाहे हम चीजें पिज्जा मंगाए, इटालियन फ्राइज मंगाए, फ्रेंच फ्राइज मंगाए, कोई भी चीज मंगाते हैं, पास्ता नूडल्स, दोस्तों ये सारी चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा फार्मर, इंडियन फार्मर्स अपने खून पसीना अपना एफर्ट लगाता है, तब जाके वो ये आउटपुट निकालता है जिसे हम उस होटल में जाके खाते पीते हैं और बोलते हैं बाद में टेस्ट में मजा नहीं आया, चीज बहुत महंगी हुई है। दोस्तों आज हम बात करने वाले उन किसान भाइयों की जो अपने यहां पर मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता है। दोस्तों रिजल्ट नहीं मिलता है का मतलब यह है कि वो मेहनत करके चीजों को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं लगे पड़े मेहनत में, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं तो उसका लाला उसको बोलता है इस चीज की कीमत मार्केट में 20 है लेकिन तुम्हारी चीज में वो क्वालिटी नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगा 18 रुपए। एक बेचारा किसान को MBA की थोड़ी जो वो मार्केटिंग जानता हो और वो जाके अपने प्रोड्यूस को सीधा सीधा कस्टमर तक बेच दे। किसान भाई इतना मजबूर होता है अपनी चीजों से कि उसे चीजों को प्रोड्यूस करने की फुर्सत नहीं मिलती, वो मार्केटिंग क्या करेगा अपने प्रोडक्ट की, तो वो औने पौने दामों में अपने प्रोड्यूस को सोल्ड आउट कर देता है। दोस्तों आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के अंदर है जहां पे ऐसे लाला लोग ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं जिनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उन्हें बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। आज मैं और आप जो इस पिज्जा को खा रहे हो, इस पिज्जा में सिर्फ आपका पैसा नहीं जुड़ा है बल्कि उस गरीब भाई, उस गरीब किसान का एफर्ट लगा हुआ है। जो आप तो पैसे देते हो पूरे, हम लोग देते हैं पैसा पूरा, लेकिन वो लाला उस तक वो पैसे पूरे नहीं पहुंचाता है, वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। दोस्तों इसी मजबूरी का फायदा और ना उठाया जाए, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसको बोला गया प्राइस फ्लोर। जी हाँ, प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर में ये बोला गया कि जो हमारा DD कर्व है और जो हमारा SS कर्व है, जहां इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। दोस्तों इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जी हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमारी प्राइस को डिटरमाइन करती है। गवर्नमेंट सेज अब ये प्राइस नहीं बल्कि इससे ज्यादा प्राइस आपको मिलेगी। दोस्तों के फायदे की बात चली किसानों की, आप क्या सोचते हो? अगर मेरे पास जो ये वॉच है, मान लो ये 50 रुपीज की और मैं गरीब किसान हूं, तो क्या ये वॉच 50 में सेल कर दूं मैं? गवर्नमेंट मुझे बोलेगी कि दोस्त 50 में नहीं, आप 80 में सेल करो ताकि आपको भी कुछ मिले इसका फायदा, राइट? हम किसानों को बेनिफिट देना चाहते हैं, किसानों को प्रमोट करना चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे, वरना वो दिन दूर नहीं जहां किसान का बच्चा बोले मैं बड़ा होकर किसान नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अगर ऐसा होने लगा तो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर पूरा ठप्प पड़ जाएगा। तो उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें उत्साहने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि एग्रीकल्चर में हम तुम्हारे साथ हैं, दोस्तों गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसमें उन किसान लोगों को बोला गया कि जो प्राइस मार्केट में चल रही है उससे ज्यादा प्राइस हम आपको देंगे। क्या? उससे ज्यादा प्राइस हम आपको देंगे, और जो प्राइस हम ज्यादा आपको देंगे दैट इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस सपोर्ट या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा नाम प्राइस फ्लोर। अब आप समझ चुके होंगे प्राइस फ्लोर का मतलब, एक प्राइस है एक फ्लोर और बना दी, इससे भी ज्यादा, यानी प्राइस फ्लोर का मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज्यादा प्राइस हम आपको देंगे। किस लोग को? किसान भाई को। उसे हम बोलते हैं अपने पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर प्राइस फ्लोर, राइट? तो क्या समझे आप, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस यहां पर गवर्नमेंट आपकी डिसाइड कर देती है, राइट? तो देखिए, it refers to the minimum price fixed by the government which the producer must be paid for their produce. और government को, government वो decide कर देती है और government उन किसान भाइयों को वो कीमत देने को तैयार हो जाती है जो उन्होंने इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा चार्ज किया, right? तो देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इससे पड़ी क्योंकि government maintain करना चाहती है price support किस product के लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ज़ारा के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। कि आप ज़ारा वालों को बोलो तुम्हारी इक्विलिब्रियम प्राइस है 2500 रुपए एक शर्ट की, तो तुम भेजो 5000 रुपए एक्स्ट्रा हम आपको देते हैं, ऐसा नहीं भाई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए बात बोली गई क्योंकि किसान भाई को हमें सपोर्ट करना है, तो हम उन्हें इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें हमें सपोर्ट करना है। दैट इज कॉल्ड प्राइस
फ्लोर, राइट। अभी डायग्राम बनाओ, मैं इस डायग्राम को रख कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा आपके पास, राइट। तो देखिए हम अपने पास डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है जीरो एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहां पर आती है हमारे पास क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई। मैं फिलहाल क्या लिख रहा हूं, सिर्फ क्वांटिटी, आप समझाना, दिस इज क्वांटिटी डिमांड एज वेल एज क्वांटिटी सप्लाई, राइट। दोस्तों यहां पर आती है हमारे पास प्राइस यानी कीमत। अब आप देखो ये हमारा डीडी कर्व है डिमांड कर्व और ये हमारा एसएस कर्व है सप्लाई कर्व, राइट। जहां इंटरसेक्ट होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी डिसाइड होती है, ओपी। तो दोस्तों हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितने पर बिकनी चाहिए, ओपी पर। गवर्नमेंट कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा पर बेच सकते हो। और कौन खरीदेगा, हम खरीदेंगे, गवर्नमेंट की एजेंसीज तुमसे इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज्यादा प्राइस पर चीजों को परचेज करेंगे, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे भी ज्यादा पर हम आपकी प्रोड्यूस को हम खरीदेंगे, लाला नहीं खरीदेगा बल्कि हम खरीदेंगे, हम कौन, गवर्नमेंट की एजेंसियां, राइट। तो देखिए ये आपका P1, ये आपका A और ये हो गया आपका B। तो देखो दोस्तों यहां पर इनर रो डायग्राम DD इज अ डिमांड कर्व एंड SS इज सप्लाई कर्व, बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोस्तों यहां तक तो आप पागल हो चुके होंगे ये पॉइंट पढ़ पढ़ के, राइट। अब एज पर द प्राइस फ्लोर OP1 शोस प्राइस फ्लोर, ध्यान देना OP1 यहां से लेकर यहां तक क्या दिखा रहा है, प्राइस फ्लोर। यहां से लेकर यहां तक सिर्फ क्या दिखा रहा था, प्राइस, OP प्राइस को दिखा रहा था, OP1 प्राइस फ्लोर को दिखा रहा है, राइट। While equilibrium price is OP, जबकि equilibrium price कितनी है, OP है, at this price the producer are willing to supply P1 B1। क्या मतलब है ये P1 B1, actually B1 ही P1 B है। Producer supply कितना करना चाहते हैं, P1 से B तक, P1 से B तक, और demand कितनी है, P1 से A तक, और demand कितनी है, P1 से A तक। ये जो आप extra margin देख रहे हो, this is called surplus। और दोस्तों किसानों के पास सरप्लस होना शुरू हो गया, क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों यहां पर अगर आप देखो तो जो डिमांड है वो यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक डिमांड है, और सप्लाई यहां से लेकर यहां तक है। तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है दिस इज कॉल्ड सरप्लस। और जब सरप्लस हो रहा है, इकोनॉमी यही तो चाहती है आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सरप्लस बना रहे, क्या बना रहे, सरप्लस बना रहे। गवर्नमेंट सेज जो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे भी ज्यादा हम आपको प्राइस देंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर, दिस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर, इसी को हम बोलते हैं अपने पास प्राइस फ्लोर। अब क्या होता है, कंक्लूजन देखो, सिंस प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट्स टू सेल द इलीगल सेल द प्रोड्यूसर इन टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज बिलो द मिनिमम प्राइस। लोग बेचारे किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मिनिमम प्राइस बहुत कम देते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस से भी कम देते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला हम आपको इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज्यादा प्राइस पे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और आपको फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा का प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। बोलो समझ आया, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस आपको मिल रहा है, इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। सो गाइस आज के लिए इतना ही, यहां पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। और दोस्तों थैंक यू सो मच, यहां पर हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होती है आप सभी लोगों के सपोर्ट से। दोस्तों बहुत एफर्ट लगे हैं इन सभी वीडियोस को बनाने में, आई डोंट थिंक कि हमने शायद 95 वीडियोस बना लिए अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, 95 वीडियोस हमने बनाई है और हमने एक एक एस्पेक्ट को कवर अप किया है, कोई पार्ट हमने छोड़ा नहीं। इवन दोस्तों टू बी फ्रैंक आज मैं सच में कोई भी बात बनावटी नहीं बोलूंगा। दोस्तों आज जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि अगर आप इन वीडियोस को ऑनेस्टली देखते हो ना, स्टार्टिंग से लेकर टिल एंड तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी कवरेज होती है, इसमें पूरी की पूरी कवरेज होती है, आपके एग्जाम में एक नंबर भी कम नहीं आ सकता, एक नंबर भी। ट्यूशन की जरूरत नहीं है, स्कूल की मैडमों या टीचरों की जरूरत नहीं है, अगर आप इन सभी वीडियोस को देख रहे हो ना तो कसम से आपको कोई भी जरूरत नहीं है ट्यूशन लेने की, इस तरीके से इस वीडियोस को बनाया गया है। दोस्तों यहां पर मैं अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो प्लीज इसको शेयर करिए। आज तक मैंने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल की आप मार्केटिंग करो, शेयर कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। लेकिन दोस्तों मैं वही बोलूंगा जहां आपको लगे कि शायद इन वीडियो से जैसा आपको फायदा हुआ वैसा किसी जरूरतमंद को फायदा हो, तो जरूर शेयर करना, अदरवाइज मत करना, कोई
फोर्स नहीं आप पे, राइट। और थैंक यू सो मच, आज यहां पर मैंने अपने पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सब लोगों के सपोर्ट के थ्रू मैंने अपने पास ये चीजें कंप्लीट किए। दोस्तों अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि अगली वीडियो के अंदर तो मैं आपको अपने पास जो करवाऊंगा वो होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, हम अपने पास करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो, 24 आवर के अंदर उसका सलूशन मिलेगा। नहीं तो मेरे होम पेज पर जाओ, फेसबुक का लोगो नजर आएगा उस पर क्लिक करो, फेसबुक आईडी से कनेक्ट हो जाओ, मैसेंजर के थ्रू मैं डायरेक्टली आपसे मोबाइल से बातें कर ले रहे हो। अगर आपको लगे वीडियो कॉल करके डाउट पूछे तो आप डाउट पूछ सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड पीस आउट।